नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी कहानियाँ, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर कनक पानी और आपको सुना रही हूँ स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है पापा का सपना। आज 3 साल बाद शारदा मुंबई से अपने गांव आई थी। माँ बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही थी। माँ के चेहरे की झुर्रियाँ और कृशकाय शरीर उनके वास्तविक हालात को बयां कर रहे थे। जीवन के समस्त झंझावातों को झेलते हुए उन्होंने उसे इस लायक बनाया था जिसका उदाहरण देकर लोग अपने बच्चों को पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते थे। शारदा ने माँ को स्वयं खेतों में ट्रैक्टर चलाते और फसल उगाते देखा था। बचपन में कई बार उसने दादी माँ से अपने पापा के बारे में पूछा, लेकिन जवाब में उनकी आंखों में आंसू ही देखने को मिला। माँ से पूछने पर उन्होंने कहा, पापा बहुत दूर पैसे कमाने गए हैं। बाद में जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो बुआ ने बताया कि पापा भारतीय सेना में थे और तभी शहीद हो गए थे जब वह माँ के गर्भ में पल ही रही थी। बुआ की इन बातों से उसने अपना हौसला खोया नहीं, बल्कि दुगुने हौसले के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर एक दिन सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सबको गौरवान्वित किया। सेवारत होने के बाद पहली बार माँ से मिली तो उन्होंने पापा की एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें पापा सैनिक की वर्दी में थे। देखकर भाव विह्वल हो गई। नम आंखों से उसने पापा की तस्वीर को सैल्यूट किया और फिर उनके तस्वीर को सीने से लगाते हुए बोली, मुझे पता था पापा, जब मैं आपसे मिलने लायक बन जाऊंगी तभी मिल पाऊंगी। पापा बेटी के इस मिलन को देखकर माँ की आंखों में भी आंसू भर आए, लेकिन आज अपनी बेटी को उस मुकाम पर जहां उसके पापा अपने बच्चों को देखने की बात किया करते थे पहुंचाकर काफी संतुष्ट थी। यह कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कनक पानी अर्थात मेरी आवाज में मेरी लिखी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।